Do you like tea? No, I don't like tea. What a coincidence, even I don't like tea. Hello मेरे क्लासी दोस्तों, this is Ankit from MC Skills and आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ meaning of coincidence. Coincidence guys हम तब use करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही समय पर एक ही जैसी हो और वो भी किसी plan के बिना. जैसे बचपन में guys एक बार मैं अपनी family के साथ अमृतसर गया था. उसी दिन गाइस मुझे अपना फ्रेंड भी मिला जो कि अपनी फैमिली के साथ आया था. अब यहाँ पे गाइस ना उसका प्लान था कि वो मुझे मिलेगा, ना मेरा प्लान था कि मैं उसे मिलूंगा. ये एक तरीके से कोइंसिडेंस था कि हम दोनों एक दूसरे से मिले एक ही समय पर एक ही जैसी जगह पे मिले और विदाउट प्लानिंग के. तो गाइस इस कंडीशन में हम लोग कोइंसिडेंस का यूज करते हैं. तो चलिए गाइस अब जानते हैं कि कोइंसिडेंस को मैं अपने सेंटेंस में कैसे कैसे फिट करना है. तो जो आप लोगों के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है मीटिंग यू इन जयपुर इस आ रिमार्केबल कोइंसिडेंस. यानी तुम्हें जयपुर में मिलना एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है. मतलब ऐसा कोइंसिडेंस है जिसको गाइस हम लोग थोड़ा नोटिस कर सकते हैं. रिमार्केबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पे हम लोग नोटिस कर सके. एक डिफरेंट सी वीडियोस के ऊपर बना देंगे लेकिन तब तक के लिए गाइस हम कोइंसिडेंस पे ही चलते हैं. अब गाइस हम चलेंगे अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ. जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है इट वाज द कोइंसिडेंस दैट वी चोज द सेम वीक फॉर वेकेशन. यानी वह एक कोइंसिडेंस था कि हम लोगों ने एक ही वीक चुना था वैकेशन के लिए. एंड जिस वीक तुमने चूज किया था उसी वीक मैंने भी चूज किया था और हम लोग वहाँ पे दोनों मिल गए थे. तो गाइस इट वॉज अ कोइंसिडेंस. तो गाइस इस तरीके से हम लोग कोइंसिडेंस को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं. तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोइंसिडेंस का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा. अगर गाइस अच्छे से समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट.